किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों आज हम आए हैं गांव मेघा खेड़ी में। ये चौधरी साहब हैं, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आप थोड़ा सा किसान भाइयों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम रविंदर सिंह आर्य, पूर्व प्रधान मेघा खेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील भी मुजफ्फरनगर। बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा अपना फोर्ड के बारे में बताओ, ये कब से है आप पे? 2002 में लिया था, सेकंड का मॉडल 84। तो पेंट वगैरह आपने करवाया? पेंट करवाया हमने इस पे एक बार 2004 में। चार में ऑथेंटिक पेंट सब कुछ हमने इसको अपना अभी लेकर करवाया। मतलब स्टार्ट है? इस साल भी स्टार्ट है, टर्न टर्न अभी देता हूं। एक बार स्टार्ट कर दो चाहे। देखो कैसे फस करवा दो। भाई ये ट्रैक्टर जो है 84 मॉडल है और इन्होंने पेंट वेंट करा कर, देखो आवाज़ कितनी शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की। और इसमें आज भी जो है ओरिजिनल पंप है इसका, जो आता था कभी। कर दो बंद। बहुत बढ़िया, जैसे आजकल किसान बहुत किसान जो हैं इसका पंप चेंज करा दें। हाँ। तो आपने यही रख रखा डायफ्राम का? डायफ्राम का एक पंप है, लेकिन चेंज करवाया था, वो नहीं करवाई सर्विस की पंप की, जैसे वो खराब हो गया था इसका पंप 2000 उसमें 14 में नया लगवाया, पुना से उसे मंगवाया, पुना से इसका पंप जो पंप पुना से मंगवाया चुका तो बोर्डी में सील बंद। अच्छा, डायफ्राम का ही पलंजा नहीं बदला इसके कुछ नहीं। तो मतलब वैसा नहीं करवाया इसका डायफ्राम वाला? सर इसी तरह इसकी डायफ्राम जुका तो कैसा था कंपनी का, ऐसा है पहले से जी। तो फिर आपने ये पूरी बॉडी इसकी पूरा ही कंप्लीट मंगाया था नोजिलो से ही थी। अच्छा, तो काफी कॉस्टली पड़ा होगा। 14000 कुछ 700 रुपए का लगभग आया था। 14700 का 2014 में? बिल्कुल, इतने का तो इसने तेल बचा दिया होगा जी, क्योंकि नया जो है तेल कम खावा है। फिर नया तेल कम खावा बिल्कुल, तो उसका बस यो अगर खेत में लेकर चला 50 क्विंटल गन्ने जी, 265 से कम तेल का हो, लेकर चला 20 क्विंटल गन्ने 20 उस पर चला तो ये थोड़ा तेल ज्यादा का हो। मतलब जितना काम ज्यादा होगा उतना ज्यादा काम होगा, उतना तेल कम खाओगा, कम खाओगा। यो 11 के टीलर पर एक घंटे में 20 लीटर चलने बाद है, बिल्कुल भाद है जी। और उस पर 9 का टीलर चलावांगे तो 2 घंटे पर होगा 20 लीटर। बिल्कुल भाइयों, इनके पास में जो है इनका दूसरा ट्रैक्टर है महिंद्रा 265, ये कब लिया जी आपने? ये 2008 मॉडल है, 2008 मॉडल है। अच्छा, ये नया लिया था? बढ़िया चल रहा। इसके बारे में कुछ ऐसी बात जो मतलब जैसा फोर्ड की आपने बताई, तेल वगैरह की स्पीड की कुछ? इसका तेल का जो डोले लेने जाए तो महंगा। अच्छा, बड़ी ट्रॉली में हो तो मंदा, मतलब गन्ने डालने जाओ तो यो मंदा, डालने जाओ तो बड़ी ट्रॉली सर ठीक तो मंदा, ज्यादा गन्ने लोड लेगा जी जी। जब भाई थोड़ा हो तो महंगा। बढ़िया, लेकिन जुताई में सबसे मंदा ट्रैक्टर आज तक की दुनिया के जितने ट्रैक्टर जुताई में मट्टी जतरा लगने में जी मारने में सबसे मंदा ट्रैक्टर यो वाला मॉडल सबसे कम, तो मतलब कोई शौकीन सा बंदा लेना चाहे तो बेचोगे? अभी नहीं, नहीं बेचेगा, नहीं भाई इसको अभी मन नहीं, मन भरा नहीं इससे। बस ये तो चाहे खड़ा रहा है, वो खड़े रहा है तो रोटी रोटी काटता है फिलहाल, वो खड़ा नहीं तो खड़ा, तो खड़ा केवल रोटी काट देगा, बेच के फिर गन्ने भर कर ले जाएंगे बेले को। ठीक, जो गोले गले करो बेच जाएगा। तो अब जैसे अब जुलाई का महीना है और अब जुताई का कहीं समय नहीं, कहीं समय नहीं, वो खड़ा डल, तो 5-6 महीने ऐसे ही रहेगा, खड़ा रहेगा चुका। तो बस थोड़ा बहुत सोंक में जैसा आज स्टार्ट कर दिया, साफ करके स्टार्ट दिखा दिया बस यो, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं करना। तो मतलब ये तो अब ठाल में मान लो। हां ठाल में बिल्कुल, अब ज्यादा काम जो है इससे कर रहे हैं। 2008 से यही कर रहा, उससे पहले सारे काम यही कर रहा था, सारी यही कर रहा, लाना गन्ने भी गेड़ना बहाना भी मिल में दूध भी लेना लिबर डीजल गन्ने का। अच्छा अच्छा, ये जी आपकी गाड़ी है जो गाड़ी है स्विफ्ट, बहुत बढ़िया बाइक वगैरह है, घर है किसान भाइयों के, बाइक भी सब अपनी, यो पावर टिलर एक पाने के लिए यो सब। यो कौन सा जी? यो पावर टिलर जीटी शक्ति, जीटी शक्ति। अच्छा, यो वीएसटी का है, यो अलग ही कंपनी, ये अलग ही कंपनी शक्ति के नाम से, जीटी शक्ति के नाम से। अच्छा अच्छा, इसमें लॉन्सिंग जो मारुति कंपनी में इंजन, मारुति गाड़ी में इंजन है लॉन्सिंग कंपनी का, जी समूह वाला इंजन है इसके अंदर, यो एक सिलेंडर वाला, एक सिलेंडर। तो जैसे ये पेट्रोल का है तो इसका क्या एवरेज आ जाए घंटे में जी? इसमें एक घंटे में यो अब ये 36 इंची 42 इंची की होगी इसका। अच्छा, आपने ये 42 की बनवा दी? पहली बड़ी बनाई कंपनी से। ठीक, एक घंटे में 3 लीटर का वो 4 बीघे जुताई करता और 3 लीटर पेट्रोल का एक घंटे में, तो जुताई तो तकड़ी करता होगा। जुताई जो दो सर इसकी जुताई में जो ट्रैक्टर की जुताई बड़ी ट्रोली की बड़ी वो वाली जुताई सेम जुताई
दो बार के। बहुत बढ़िया। एक फावड़े में बिट्टे बड़े लंबे लंबे गिर रखे थे, गिरवा के भाई हमारी थोड़ी लंबाई फालतू सा, तो लंबाई के हिसाब से ही तो तुम दूरी दूर काम कर दो इससे, थोड़ा काम फालतू हो जाए। अच्छा, फालतू काम हो जाए। हाँ ये तो है। तो ये वाला मॉडल जी सेल्फ स्टार्ट वाला है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर जो है मैंने देखा किसान भाई हाथ से हाथी खींचे हैं, हार कुछ की तो ये बेल्ट, कुछ की तो ये बेल्ट सी भी टूट जा। हाँ ये टूट जा, लेकिन अब जा फिलहाल बैटरी लो चुकी। चलो कोई बात नहीं, बनने ये सिल सिल पर लगवा मुझे तो बेल्ट की हो। बहुत बढ़िया भाई। ये जो है इनकी चारा मशीन है, कुट्टी मशीन जो होती है मोटर से चल रहा है भाइयों। मोटर से चल रही 1992 की लगी है, 1992 में की लगी है। ऐसी चल रही, बढ़िया चल रही, सेम टू सेम, केवल चाल चक्री बदली है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, मतलब मोटर एक बार फूक गई थी बंद भाई जी। आजकल वो आ रही जिसमें मोटर नीचे आ रहा, वो मोटर नीचे आ रहा, वो थोड़ी महंगी जरा सी, थोड़ी सी पहले से इसी सरकार, पर जब ये चल रही है तो बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है भाइयों किसानों का जो होता है भूसा स्टॉक है, ये पशुधन है। बहुत बढ़िया। तो दूध दाल अपना घर का ही रखो जी? बस बस बैठी रहे, कोई बात। पंखे वगैरह लग रहे, बहुत बढ़िया चलते। बिल्कुल। ये नल का 2002 में लगवाया था, इससे 20 फुट का बोल ये वाला। तो ये तो वो होगा ना जाली का है, तो जाली का ही जी, तो जाली से है ना। हाँ हाँ हाँ, केवटी नहीं आती, सही कह रहे। 110 फुट का पाइप, 10 फुट का मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर 12 का बोरिंग 2014 ये वाला। तो इसमें समरसीबल डलवा दिया फिर? इसकी गहराई कितनी जी? 260। ये बीच में क्यों करवा दिया आपने, एक साइड करवा था? मशीन नहीं लगा, चलो तो मकान बनाया तो मशीन का पाया नहीं जाता, साइड में को कहीं को फिर बीच में लगाना। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी है, सही कह रहे। यहाँ मशीन से करवाया था बोरिंग? बोरिंग जी। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों आपने देखा होगा जैसे ज़्यादातर किसान भाई के जो हैं काम इसी तरह के रहते हैं, और ये जो होता है ढोल बोलते हैं इसे, ये डीजल स्टोव, डीजल जी इकट्ठा लाओ जी, इकट्ठा लाओ। अच्छा, डीजल भी इकट्ठा लाओ, या अगर चलावा पावर टिलर के लिए पेट्रोल भी इकट्ठा लाओ, चार कैन भरवा करते हैं। अच्छा, मतलब इकट्ठे ले आओ एक बारी, बड़ी थोड़ी सी अब ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों किसान की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। घर मकान देख लो आप, मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं तो भाइयों मैंने आप देखा। हाँ जी, ना ना बैठक तो सही है, बढ़िया तो हमारा रेजिडेंस का जी, मेहमान आओ कोई भी आओ जगह। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये देखो इन्होंने जो है अपने बुजुर्ग उनके फोटो वोटो लगा रखे, बढ़िया से। बाबा जी हैं। अच्छा जी, ये पिताजी हैं, ये ताऊ जी हैं, ये महर्षि दयानंद की फोटो, मेरे साथ छोटा भाई था, ये इससे बड़ा था, ये पहले गुजर गया था छोटा ही, लेकिन ये अभी 4 साल पहले गुजरा, कैंसर हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला जो फोटो है उनका, आपसे छोटे का? नहीं, जो सबसे छोटे, हम 4 भाई थे। ये वाले जो थे? ये तो खेती करते थे दोनों। ठीक ठीक। ये 3 नंबर भाई का, ये इनको इसका फोटो कहीं। अच्छा अच्छा, तो ये जॉब कर रहे हैं अभी? हाँ अभी जॉब कर रहा है। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक करें शेयर करें। और जैसे इन्होंने संघर्ष कर रखा पूरा अपना, इन्होंने अपना जीवन इसमें दिखा दिया। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें जरूर, कमेंट करें। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई।